हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो जैसा कि जेसीसी एक्साइज कॉन्स्टेबल झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म फिलअप डेट की बात करते हैं, 1 जून से लेकर के 30 जून तक इसके फॉर्म फिलअप की डेट रखी गई है। तो आइए इस नोटिफिकेशन में हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि एज लिमिट क्या कुछ रखा गया है। सो और आप लोगों के लिए यह खुशखबरी की बड़ी बात है, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और किन के लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इन सारे पर हम लोग बातें करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट मिनिमम ईयर इसमें 18 वर्ष रखा जाता है। किसी भी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उनकी उम्र है जो कि वह 18 वर्ष हो जानी चाहिए। कब तक हो जानी चाहिए? 1 अगस्त 2023 तक। आप देख सकते हैं इसमें 2-4 मंथ बढ़ा के लिया गया है। अभी तो चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि आने वाले 3 मंथ के अंदर में भी यदि आप लोगों का 18 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 1 अगस्त 2023 तक यदि आप लोगों का 18 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और जो भी हाल ही में 10th पास किए हैं 12th पास किए हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कैटेगरी वाइज, जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 25 वर्ष रखा गया है। जनरल कैटेगरी के जो पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 25 साल रखा गया है और BC1 और BC2 जो OBC कैटेगरी से BC1 और BC2 से बिलोंग करते हैं उनके लिए 27 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। और महिला की बात करते हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करती हो, और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं महिला की, तो किसी भी कैटेगरी से यदि वो महिला बिलोंग करती है तो उनके लिए 28 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 वर्ष रखा गया है किनके लिए? महिलाओं के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, BC1 BC2 हो या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोई भी हो, तो उनके लिए है जो कि वह 28 वर्ष रखा गया है। और SC ST की बात करते हैं, SC ST में चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं कैंडिडेट, चाहे महिला हो या फिर जो पुरुष हो, तो इन दोनों के लिए मैक्सिमम एज रखा गया है 30 वर्ष। तो आइए यहाँ पे साफ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसा कि ये वैकेंसी 2023 में निकाली गई है तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि 2023 तक आप लोगों को 25 वर्ष, 27 वर्ष और 30 वर्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए 2023 का अधिकतम वर्ष 2023 में गणना ना करके ये 2018 से गणना कर रही है। और पिछली वैकेंसी जो रद्द हो चुकी थी वह भी 2018 में ही उस वैकेंसी को जारी किया गया था, तो तब से एज आप लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 2018 से एज लिमिट लिया जा रहा है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो पहले कहीं पर अपनी सेवा को नहीं दे रहे हैं, यानी पहले से कोई कहीं पोस्टेड नहीं है, तो उनके लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब चलिए हम लोग यह देखते हैं किनके लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला है। सो तो यहाँ पे आप इसके गा सेक्शन में देख सकते हैं, साफ साफ तौर पर लिखा गया है, भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथासमय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना होगा। तो इनको अलग से 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है किनको? जो कि भूतपूर्व सैनिक है, जो पहले से झारखंड जिला पुलिस जेप या किसी भी कैटेगरी में यदि वो पोस्टेड है, किसी भी जॉब में पहले से अपने सेवा को दे रहा है, चाहे हम लोग बात करते हैं होमगार्ड की में वो अपना सेवा दे रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इन दोनों कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का एक्स्ट्रा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये 5 वर्ष का इधर और 5 वर्ष का उधर, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है, चाहे आप होमगार्ड की जॉब कर रहे हैं, पोस्टेड है, या फिर झारखंड जिला पुलिस किसी भी सेवा में यदि आप सेवा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए 10 वर्ष का मैक्सिमम छूट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिला है। और इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक्स पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग को डाउट है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि 10th बेस पर भी आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा 10th के मार्क्स के अनुसार।
साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी कैटेगरी रखी गई है। तो इन सारे टॉपिक्स पर आप लोगों को वन बाय वन जिसमें आप लोग को डाउट है उन वीडियोस को आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के इस अपडेट में बस आप लोगों को यही अपडेट देना था।